नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग की, एक ऐसी घटना जिसे सब समाज के लिए एक कलंक है, इंसान को हैवान बना देने वाली घटना जो लगातार हमारे समाज में घटती है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। लगातार कानून बनाने की बात की जा रही है, लगातार इसके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है, लेकिन बावजूद इसके मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। हम बात करें अगर बिहार की, तो सिर्फ जुलाई महीने में मॉब लिंचिंग की 19 घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जिनमें 9 लोगों की मौत हुई है। आखिर इन मौत का कसूरवार क्यों है? आखिर भीड़ इतना उग्र क्यों हो रही है? और भीड़ की इस हैवानियत की वजह क्या है? क्या यह भीड़ का रक्त चरित्र है? हम बात करेंगे, पटना के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्यों है। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे, आज मॉब लिंचिंग की घटनाएं समाज में काफ़ी बढ़ जा रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, ये जो मॉब लिंचिंग है, ये राजतंत्र का एक हिस्सा होता था कि जब किसी गुनहगार को सड़क पर खड़ा करा दें चौराहे पर और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये उस ज़माने की चीज़ है, लेकिन जैसे प्रजातंत्र आया और हमारी न्यायपालिका बनी, हमारी कार्यपालिका बनी, विधायिका बनी, उस समय में इस तंत्र का कोई अर्थ नहीं बनता किसी भी देश में। यह है क्या कि आदमी के भीतर की जो आक्रामकता है, वो आक्रामकता बाहर आई है किसी भी चीज़ का नाम लेकर। उसे पता चल जाए कि कहीं पर गाय को कोई ले जा रहा है, उसे पता चल जाए कि किसी देवता का नाम किसी ने ले लिया, मैं नहीं नाम ले रहा हूँ कि किसी देवता या देवी का, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुझे लगता है कि समाज में जो एक राजनीतिक असहिष्णुता है, वो भी एक विराजमान है, और उसके विराजमान होने के कारण आदमी के भीतर कहीं ना कहीं ये एक उकसावे वाली नीति आ गई है कि ऐसा करने से न्याय होगा, लेकिन न्याय नहीं होता, ये केवल अन्याय है। और इससे बड़ी गलत बात इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है जो मॉब लिंचिंग भारत में। और यही नहीं, आप देखेंगे अभी तो हाजीपुर की घटना, आपने जैसा कहा कि 19 घटनाएं हुई हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं। ऐसी हज़ारों घटनाएं छुटपुट होती हैं, हमारी गलियों में हो जाती हैं, कहीं किसी को धक्का लग जाए और उसको मार करके अधमरा लोग कर देते हैं। तो मॉब लिंचिंग केवल धर्म के नाम पर नहीं है, राजनीति के नाम पर नहीं है, किसी पेशे के नाम पर नहीं है, वो हमारे जीवन की शैली में व्याप्त हो गई है। और ये हिंसा आक्रोश कहाँ से आया है पता नहीं चलता है। बिल्कुल, कहाँ से है पता नहीं। आपको क्या लगता है आखिर क्यों अचानक से घटना, या क्या पहले हो ये होती थी या फिर ये आज ही ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाना होगा। इधर मॉब लिंचिंग 3-4 वर्षों में बढ़ा है, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन आखिर सब मनुष्य को समाज की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सत रजतम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो थोड़ी बहुत शैतानी नादानी इंसान के स्वभाव में है, यह सभी जानते हैं, क्योंकि तभी राज की आवश्यकता पड़ी। जनता का हिस्सा होना तो ठीक है, जनता हम हैं भी, लेकिन भीड़ का हिस्सा होना गलत है, क्योंकि भीड़ का अपना कोई शक्ल नहीं होता, भीड़ के पास अपनी कोई विवेक शक्ति नहीं होती। और जब तक हम मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को आंतरिक रूप से, अंतःकरण से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक धर्म पर दोष देना या राजनीति करने वालों पर दोष देना यह उचित नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मेरा जवाब आपको अन्य लोगों से भिन्न लगे, लेकिन मुझको लगता है कि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म एक अनुशासित जीवन जीने का मार्ग है। दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ ने इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित न किया हो, कभी नहीं किया है। राजनीति करने वाले लोग भी आपस में राजनीतिक शुचिता रखते हैं, राजनीति करने वाले लोग आपसी रिश्ते नहीं बिगाड़ते हैं, नहीं खराब करते हैं, फिर आखिर मॉब लिंचिंग क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि हमारे अभिभावक सर ने भी कहा, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, कि मन का अनियंत्रित होना, अपने अंदर के आक्रोश को, आक्रामकता को बाहर प्रदर्शित जो हम करते हैं, वो मॉब लिंचिंग के रूप में सामने आता है। देखिए, 2008 में दुष्यंत कुमार जी की साये की धूप आई थी, उनकी कुछ पंक्तियाँ स्मरण में आ रही हैं कि उन्होंने लिखा था कि अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। तो उनकी ये पंक्तियाँ आज प्रासंगिक प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम जाति और धर्म के नाम पर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते कि हम आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने को सुधारें, न कि दूसरे पर दोषारोपण करें। हम अगर अपने को सुधारते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तो ही इज़ नो मोर प्रॉपर्टी और अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। वो एक इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करता है, और अगर हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर जाता है,
तो फिर मॉब लिचिंग जैसी घटना नहीं होगी, क्योंकि संवेदना बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल, फिर आएंगे आपके पास और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है? हम भीड़ तंत्र को इसमें ज़्यादा महत्व देते हैं। भीड़ के कारण किसी आदमी के उत्सव में आकर के आदमी ऐसा काम करता है। आदमी को मन को तो कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम हाल की घटनाओं को देखेंगे तो छपरा में 3 युवक जो मवेशी खरीदने जा रहे थे, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर भी था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। जमुई में एक अपराधी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तो हाजीपुर में एक दंपति को चोरी होने के शक में पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। लगातार घटनाएँ बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी इलाका हो, कोई भी थाना हो या फिर कोई भी शहर हो। शहर दर शहर हालात बदलते जाते हैं, लेकिन घटना एक होती है। आखिर इन घटनाओं की वजह आप क्या देखते? इसमें प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। प्रशासन के प्रति विश्वास का मतलब है कि अब कोई घटना होती है, हम प्रशासन के पास लेके जाते हैं, उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों को लगता है कि नहीं, इसको क्यों ना हम ही इसका ऑन स्पॉट इसको हम फैसला करें। तो ये धीरे धीरे लोगों की एक मानसिकता में होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा वजह तो हम यही मानते हैं, नहीं इसका धर्म से कोई लेना देना है। दूसरी चीज़ है बेरोजगारी, क्योंकि अधिक जगह लोग देखते हैं कि बेरोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा है, रोड में भीड़, बच्चे अधिक ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि भीड़ तंत्र में आप देखें कि मैक्सिमम कम से कम उम्र के लोग होते हैं, ज़्यादा उम्र के जो लोग भी होते हैं आफ्टर 40, वो उनको बचाने में क्या प्रयास करते हैं ना, कि भीड़ तंत्र का हिस्सा होते हैं, और जो बिलो 40 होते हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई अब कुछ हुआ इसको मार दो, नहीं गलत किया ऐसे किया, तो वो कोई हम धर्म और इसके प्रति बेरोजगारी इसके लिए यहाँ बेरोजगारी भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। क्या लगता है आप? सर, कुछ भी जिम्मेदार हो, मगर किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर हम ही कानून हाथ में लेंगे तो सरकार किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? अविश्वास होना ठीक बात है, सही बात है कि विश्वास लोगों का है प्रशासन के प्रति। अब बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, मगर कि हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी की जान ले लें। किसी भी गुनाह के लिए, किसी भी गलती के लिए कोर्ट बना है, प्रशासन बना है। हमें नहीं लगता कि जनता को इसमें कभी भी कानून हाथ में लेना चाहिए, किसी की जान लेने का अधिकार देना चाहिए। सरासर गलत है ये, सरासर गलत। कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? मॉब लिचिंग एक निंदनीय चीज़ है, बहुत इसका जितना कहा जाए उसके बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन यदि सशक्त रहेगा तो मॉब लिचिंग की घटना कम होगी। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि प्रशासन को दुरुस्त रखें ताकि मॉब लिचिंग ना हो। बिल्कुल, आप बताएं कि क्या इसमें क्यों घटनाएँ बढ़ रही हैं और इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण आज के टाइम में जो दिख रहा है लोगों के बीच में, जो कानून के प्रति जो विश्वास है वो खत्म होता चला जा रहा है। एक छोटी सी घटना है, अगर आप एक थाना में अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ भी आपको पैरवी की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। और आज के टाइम में बेरोजगारी जिस तरह से हावी हो गया हर लोग पे, तो हर एक के पास पॉकेट में पैसा नहीं कि थाना में भी जाकर के वो एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसा दे। और जहाँ तक मॉब लिंचिंग की बात आ रही है कि लोगों को भीड़ इकट्ठा करके मारती है, जिस तरह से ये पहले भी होता था, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो कोई लड़का से अगर माने मारपीट हुई तो 4 लड़का मिलकर मारे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि उसको हम लोग जान से मार देते थे। लेकिन आज ये घटना बढ़ गई है, ये बढ़ गई, क्यों बढ़ गई है, इस पर प्रशासन को भी पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे इस तरह से लोगों के बीच मोबिलाइज कर लाएँ कि लोग जागरूक हो और इन चीज़ों से दूर हो और लोगों को बचाव करें। और ये इन सब चीज़ में लोगों को आगे आना पड़ेगा, समाज को इससे हटना दुरुस्त करने के लिए लोगों को आपस में कम से कम ये इतना जरूर विश्वास रखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो। और दूसरी बात, आज समाज का एक वर्ग है जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, एक सोसाइटी है खासतौर पे जो चिट्ठी लिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी पार्शलिटी की बात होती है कि खास कौम के मरने पे आप चिट्ठी लिखते हैं, खास कौम मरता है आप खामोश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी इस तरह से लोगों में बीमारी फैलानी है। ये इसमें बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धाराएँ हैं देश में उनमें ये कहना, जैसे उदाहरण देने पर बहुत सारी बातें होंगी, अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है तो एक पूरा ग्रुप जो 49 का ग्रुप है वो कभी नहीं बोलता। अगर आतंकवादी वहाँ पर हत्या करते हैं कभी नहीं बोलता। अगर कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं तो कभी नहीं बोलता। वो बोलता है खास वर्ग पर। अब जैसे बंगाल की बात आप ले लें, बंगाल में निर्मम हत्याएं हो रही हैं, चुनाव के वक़्त से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, दो ग्रुप वहाँ पर लड़ रहा है और वो संवेदना पूरे देश में जा रही है। वो संवेदना जब देश में गई तो कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि पोषक तत्व तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पोषक तत्व तो है, तो दोनों धाराओं के पोषक तत्व तो हैं और इसको एक बहुत बड़ा इजाफा मिला। आप कह सकते हैं कि इधर की जो कई माह हैं या इधर के कुछ जो वर्ष हैं, उन वर्षों में इन घटनाओं के बढ़ने का एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं आदमी के मन में ये विश्वास डाला जा रहा है
कि एक दूसरा पक्ष जो देश का है वो देश के लिए हानिकारक है, और ये समझाया जा रहा है कि हम आपके लिए बहुत पूरक हैं। बड़ी बात आप कर रहे हैं कि खासकर बंगाल की घटनाओं को अगर हम देखें तो उस तरह की खबरें जो जा रही हैं और घटनाएं भी बढ़ रही हैं और धर्म विशेष की बातें को लेकर लिंचिंग की घटनाओं में सामने आ रही हैं। और ये ग्रुप बटा, जब 49 लोगों ने जब ये लिखा तो 62 लोगों ने और कुछ दूसरा लिखा। वो 62 लोगों में भी बहुत सारे लोग देश के बड़े महान हैं, वो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता हैं। तो ये धाराएं क्यों बटी? ये धाराएं बता रही हैं कि देश में कहीं ना कहीं अंतर धारा जो बह रही है। ये कहें कि ये मॉब लिंचिंग हो रहा है, वो मास लिंचिंग हो रहा है। हाँ, ये समाज के जो धाराएं थे वो टूट रही हैं। वो टूट रही हैं, और टूटने का देखिए ये देश क्या है। मैं आपको बताऊं, मैं तो गायक हूं, मैं प्रोफेसर रहा, ये देश कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि इस देश में ऐसे ऐसे तार मिल करके बने हैं। जैसे अमीर खुसरो का आप नाम ले तो वो एक रुबाई उनकी है कि जे हाले मिसकी मकुन तगाफुल दराए नैना बनाए बतियाँ, यानी जो पहली पंक्ति है वो फारसी भाषा में है, जे हाले मिसकी मकुन तगाफुल। दूसरी पंक्ति जो है ब्रज भाषा में है, डराए नैना बनाए बतिया। संसार में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ की एक ऐसी कविता हो जिसकी पहली पंक्ति फारसी में हो और दूसरी पंक्ति ब्रज भाषा में हो। ऐसा कोई देश नहीं कि पहली पंक्ति अंग्रेजी में हो, दूसरी भाषा फ्रांसीसी में हो। सोचिए कि देश क्या है, यानी मुसलमान होते हुए भी अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा को महत्व दिया और ब्रज भाषा पर वो झाप तिलक सब छीना मुझसे नैना मिला के, ये बताए जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। तो मुझे एकदम विश्वास हो, गालिब तो कहता था कि बस की हर काम है दुश्वार है, हर काम का आसान होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। बस ये गालिब की पंक्ति है कि आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। अब रीजन कानून बनाने की बात हो रही है, लोकसभा में ही बात उठी, राज्यसभा में बात उठी कि इस पर सख्त कानून, क्या सिर्फ कानून बना देना इसका इंजाम? नहीं, कानून बना देना काफ़ी नहीं है, और मैं इस बात से भी असहमत हूँ कि इसके लिए प्रशासन दोषी है या सरकार दोषी है, क्योंकि प्रशासन में भी इंसान ही बसते हैं, और किसी एक संत के गलत करने से मीडिया भी चूँकि चौथा खंभा है तो उसको भी TRP के अलावा यह ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले वो भी इंसान है। तो एक संत के चलते उस संत के प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देखते हैं, कबीर और तुलसी को लोग भूल जाते हैं, तो सारे संतों को दोष नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार सारे राजनीतिज्ञों को दोष नहीं दिया जा सकता। एक प्राध्यापक के गलत होने के चलते सारे प्राध्यापक को गलत नहीं दोष मतलब कि कहा जा सकता। हमारे सामने हमारे अभिभावक यहाँ पर खड़े हैं और इनके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए संकोच भी हो रहा है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि यह व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन से पूरी तरह से रुक सकता है। यह दोष देना कि प्रशासन गलत कर रहा है तो फिर आप प्रशासन में आइए, नेता गलत कर रहा है तो राजनीति को पवित्र कीजिए, आप राजनीति में उतरिए, पत्रकार अगर दोषी है, अगर एक बोतल शराब पे कोई पत्रकार बिक रहा है तो आप अमिताभ ओझा बनिए, आप राजेश शर्मा बनिए, आप जिस काम में भी आए हैं उसमें निपुणता और ईमानदारी से काम आप कीजिए, क्योंकि ये आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि भीड़ का कोई अपना, मैंने पहले भी आपको कहा वही शब्द मैं दोबारा दोहराता हूँ कि भीड़ की अपनी शक्ल नहीं होती, भीड़ का अपना विवेक नहीं होता। भीड़ से बना हुआ शब्द है, अब जानिए अमिताभ जी, भीड़ का अर्थ, भीड़ को देखिएगा कि अगर 100 भेड़ पहाड़ से गिरती है तो 100 भेड़ गिर जाएगी, लेकिन गाय नहीं गिर सकती, दूसरा जानवर नहीं। उसी भेड़ से भीड़ शब्द का निर्माण हुआ है। मैं मुगल सराय जा रहा था, पता चला 10,000 भेड़ कट गई, वो कटती जा रही थी। भीड़ में होता क्या है कि जैसे महादेवी अपार्टमेंट पर किसी ने एक ने पत्थर चला, 10 आदमी खड़े, 10 ने पूछा कि क्यों चला रहे हो, चला कि वो चला रहे थे, मैं भी चला रहा था। वो मारने वाला जो व्यक्ति है या मरने वाला जो व्यक्ति अभी दिखलाई पड़ रहा है, मारने वाले को पता ही नहीं कि उसकी क्या गलती है। जब पूछा गया क्यों मारते, सब मार रहे थे, हम भी मार रहे थे। एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो पवित्र न्यायपालिका है जिसको हम ईश्वर का मंदिर समझते हैं, वो वर्डिक्ट दे सकता है, वो इम्प्लीमेंट करने नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो शॉप रोड के किनारे लगा सकते हैं उसके बारे में भी कोर्ट कहता है कि हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं, एक्सिक्यूट करने नहीं जा सकते। तो समाज की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी है कि हम लोग अपने आप को नियंत्रित करें। तो जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे और हम टीवी के सामने या न्यूज़ चैनल के सामने कहेंगे कि प्रशासन दोषी है या सरकार दोषी है या धर्म दोषी है, तो नेता तो वो होता है जो कि धर्म और प्रशासन से ऊपर उठ करके सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखता है। तो नेता तो कोई भी पढ़े लिखे सब परिवार के लोग आपको मॉब लिंचिंग में कम नजर आएंगे, अनपढ़ ज़्यादा नजर आएंगे। तो जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जितना संवेदनाएं बढ़ेगी, जितना लोग एक दूसरे को जानेंगे, गीता और कुरान तो पहले पढ़ते नहीं और जो पढ़ते हैं कभी लड़ते नहीं,
बिल्कुल, ये थे पटना के लोग। आपने सुना कि भीड़ तंत्र यानी कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर क्या रुख है पटना के लोगों का और क्या इनकी सोच है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।